अस्सलाम वालेकुम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई मेंडल चूज़ पी प्लांट हमने कहा कि मेंडल ने बेसिकली काम किया था पी प्लांट पे तो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज़ किया था उसमें फर्स्ट वन है वेरिएशन वेरिएशन क्या होता है डिफरेंस होता है कि जो आप सब होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं अब जो पी प्लांट था उसमें सबसे बड़ा करैक्टर क्या था वेरिएशंस यानी उसमें क्लियर कट डिफ्रेंसिस मौजूद थे प्लांट्स में ये देखे ना ये वेरिएशन है सीड कलर येलो है या ग्रीन है कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है क्लियर कट वेरिएशन मौजूद हैं जैसे पोट uh, शेप है पोट कलर है फ़्लावर कलर है फ्लावर लोकेशन प्लांट साइज़ ठीक है ये ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि क्लियर कट डिफ्रेंसीशन करिएट करते हैं वेरिएशन करिएट करते हैं इस वजह से उसने पी प्लांट को चूज़ किया था सैकेंड रीज़न है रिप्रोडक्शन जो टूसन प्लांट होना चाहिए जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होना चाहिए क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होगा तो जो पेरेंट्स के करेक्टर्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे जिनको हम कन्फर्म कर सकते हैं थर्ड वन है कंट्रोल्ड मीटिंग अब जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं डिफरेंट कंडीशंस होती हैं ठीक है उन डिफरेंट कंडीशन को हमने अप्लाई करना होता है अपने एक्सपेरिमेंटल प्लांट में और अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल प्लांट जो है वो कंट्रोल्ड मेटिंग की सलाहियत ना रखे तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हो जाएंगे इसलिए जो चूसन ऑर्गेनिज़म है वो इस उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक ऑर्गेनाइज एरिया में एक लैब में काम कर सके ठीक है उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें शॉर्ट लाइफ साइकिल जो चूजन उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल हो ताकि जो जनरेशन्स हैं रिज़ल्ट हमें जल्दी मिल सकें नेक्स्ट वन है लार्ज नंबर ऑफ़ ऑफ जिस ऑर्गेनिज्म को जिस ऑर्गेनिज्म को हमने चूज करना है एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स uh, के लिए उसको लार्ज नंबर ऑफ ऑफ प्रोड्यूस करने चाहिए क्योंकि okay, इस तरह क्या इस तरह क्या होगा कि हमारे पास जो कंक्लूजन है वो ठीक आएगा कन्वीनस इन हैंडलिंग जो हमारा प्लांट हो उसकी रेजिंग और मैंटेनेस जो है वो लेबॉर्ट्री में इजीली हो सके और वो इनएक्सपेंसिव भी हो ठीक है जैसे एलिफेंट जो है उसको ला के लैब में काम करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू तो रैड्स ट्रोसोफिला पी प्लांट्स वगैरह अब यहाँ बिना एक प्लांट है जो मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है जो आज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबॉट्री प्रोजेक्ट्स में उसे हम कहते हैं एराबिडॉपस थैलियाना है इसको क्यों चूज़ किया जाता है डिफरेंट इसके रीज़न् इस शॉर्ट जनरेशन टाइम है स्मॉल साइज है सीड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है हमने कहा कि ऐसा प्लांट चूज़ करना चाहिए जिस जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता हो तो ये लार्ज नंबर ऑफ़ सीड्स प्रोड्यूस करता है जिन्हों साइज़ बहुत स्मॉल है इसका रिपीटिटिव डीएनए जो है वो बहुत कम है और ये नेचुरली सेल्फ़ पोलिनेट करता है और शॉर्ट जनरेशन टाइम है इसका जिसकी वजह से हमें रिज़ल्ट जो हैं वो जल्दी मिल जाते हैं